अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम किचन में बना रहे हैं टैरिगन स्टेक, चिकन टैरिगन स्टेक विद मैश पोटैटोज एंड गार्लिक बटर राइस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, और ये हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन ले ली है और इसको स्टेक की तरह काट लिया है। ये एक चिकन पीस आपके सामने मैंने इसको करने के लिए रखा हुआ था कि किस तरह हम इसको प्रेस करेंगे। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। चलें आपको दिखाते हैं कि इसको किसी बेलन की मदद से या हैमर वगैरह से किस तरह इसको प्रेस करना है ताकि ये थोड़े से बड़े हो जाए, इसके पीस फैल जाए थोड़ा सा इसका नाम। देखिए हल्के 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 इसको बस अब आपने कूट लेना है। इससे चिकन बहुत जल्दी बन भी जाती है, कुक हो जाती है और अच्छा भी बन लगते हैं, क्योंकि जब हम चिकन कुक करेंगे तो ये थोड़ा सा इसके पीस सिकुड़ेंगे ज़रूर, तो जो छोटे होंगे इसकी वजह से ये स्टेक को थोड़ा सा हमें हैमर से या किसी चीज़ से दबाना ज़रूरी होता है। ये स्टेक के पीसेस हैं। हम इसमें 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हमने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है। इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, सिरका यानी। इसके साथ हम ऑस्ट्रशायर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, फिर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टीस्पून। उसको पेरी पेरी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। रोज़मेरी हर्ब लेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून से भी कम, ये स्ट्रॉन्ग होता है तो सबको एहतियात से डालना पड़ता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं और स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको तो खैर स्टेक सारे ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये इनका फेवरेट है। तो चलें आपको भी सिखाते हैं। ये बस अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको फोक की मदद से इसमें से हम निशान डाल देंगे थोड़े से, ताकि अंदर से ये थोड़ा जूसी और टेंडर रहे, वरना ये खुश्क हो जाता है। तो बस वो 30 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे, बस इसको फोक की मदद से थोड़े से निशान डाल के हल्के से, और इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हम बनाएंगे टैरिगन सॉस। और ये हमने ग्रिल पैन रख दिया है साइड में दूसरी तरफ गरम करने के लिए, और ये हमारे स्टिक के पीसेस हैं। पहले हम ग्रिल पैन को अच्छे से गरम करेंगे। इसमें हमने हाफ टी स्पून बटर ऐड किया है। बटर भी आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टी स्पून इसमें हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, अच्छे से इसको गर्म होने दीजिएगा, फिर जब स्टिक के पीस रखिएगा तो अच्छा कुक होगा। ये देखिए ये हीट हमने चेक कर लिया है कि कितनी गर्म है। बस हम इस पर हम स्टेक के पीस रख देंगे। जब ये गर्म अच्छे से हो जाएगा, हमारा ग्रिल पैन गर्म हो गया है और अब हम स्टेक के पीस रखेंगे इसके ऊपर, और एक साइड को तकरीबन हमने 6 मिनट पकाना है और उसके बाद साइड चेंज करिएगा। इसकी पूरी टोटल टाइमिंग है कुक की वो तकरीबन 12 मिनट्स हैं, और इसको ओवर कुक मत करिएगा। बट इसमें हमने ये हम टैरिगन सॉस कर रहे हैं, इसमें हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया था और 1 टीस्पून इसमें हमने बटर लिया है, और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क। इसमें क्रम्स नहीं रहे, ये एहतियात कीजिएगा। ये हमारे स्टेक्स हो रहे हैं और हम इसमें अब ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क, कोई से भी ब्रांड का, फ्रेश मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पैक टेट्रा पैक क्रीम, कोई सी भी फ्रेश क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हमने बस 2 टेबलस्पून इसमें हम बचा लेंगे 1 पैक में से, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊँगी कि किसने बचाया है। बस अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और ये हमने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए।
ये हमने लहसुन लिया था थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून हमने ये ऐड कर दिया चॉप लहसुन। उसके साथ हमने टैरिगन फ्लेक्स ऐड कर दिए 1 टीस्पून, ये किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे आपको। ये हमने चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखें इतना ही थिक रखना है, इसे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ये हमारे स्टेक हो गए हैं और आप देखें इसके अंदर कितना अच्छा कलर आया है, और ये देखें ये दूसरी साइड से भी हो रहे हैं। तो 12 मिनट पूरी तकरीबन इसकी टाइमिंग है बनने की, तो 6 मिनट एक साइड की टाइम है चिकन की, वरना इससे ज़्यादा अगर आप कुक करेंगे तो ये खुश्क होने लगेंगे और बहुत टेंडर और जूसी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना एक दफ़ा, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा आप लोग कि आपने ट्राई किया कैसा लगा आपको। बस ये हमारे हो गए हैं, हम अब बनाते हैं मैश पोटैटोज़। ये हमने जो है टैरिगन सॉस का ही पैन ले लिया है, पोटैटोज़ हमने बॉयल कर लिए थे 2 मीडियम, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून हमने बटर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें क्रीम ऐड कर दिए। पिंच ब्लैक पेपर, पिंच सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बस हल्का सा गरम करके इसको मिक्स करेंगे, इसको कुक नहीं करना है ज़्यादा। और ये हमारे मैश पोटैटोस तैयार हो गए, बहुत यम्मी बनते हैं ये। ये साइड डिश के तौर पे इसमें यूज़ होते हैं, कोई इसके साथ स्टेक के साथ मैश पोटैटोस प्रेफर करता है खाना, और कोई जो है कुछ लोग जो हैं इसके साथ राइस लेते हैं। तो आप जो भी पसंद करते हों उसके साथ ऐड करें। हम अब वेजिटेबल्स लेते हैं, जो स्टीम वेजिटेबल्स करने हैं। इसमें 1 टेबल स्पून हमने वाटर ऐड किया था और अब इसमें हमने बटर ऐड किया है 1 टीस्पून, और इसको बस हल्का सा मिक्स करके हम स्टीम में रख देंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं गार्लिक बटर गार्लिक राइस, जिसमें हमने 1 टीस्पून इसमें बटर ले लिया है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें लहसुन ले लिए हैं। और इसको हमने जो राइस थे हमने बॉईल कर लिए थे, आपके पास अगर लेफ़्ट ओवर राइस भी रखे हों पहले के तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, गरम करना है और मिक्स करना है, दैट्स इट। आपके ये राइस भी रेडी हो गए हैं और विद इन 30 to 35 मिनट्स में आपका ये पूरा स्टेक वगैरह सब तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत झटपट रेसिपी बनती है। सब हमारी स्टीम में देखें आप वेजिटेबल्स भी हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जुकीनी और कैरेट ली थी, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने ऑप्शनल जो भी आपको पसंद हो वो लें। ये देखें हम सर्व कर रहे हैं स्टेक्स, कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है ये, वैसे तो उनको स्टेक सारे ही पसंद हैं पर टैरिगन स्टेक उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। ये देखें कितना यम्मी लग रहा है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।